मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। मानव नेत्र से जुड़े हुए कुछ दृष्टि दोष हैं, जिसमें से पहला होता है निकट दृष्टि दोष या शॉर्ट साइटेडनेस, या इसे मायोपिया कहा जाता है। ये जो पहला फिगर देख रहे हैं, ये एक सामान्य नेत्र में बनने वाली संरचना की बात है, एक वस्तु है जो कि रेटिना पर जिसका इमेज बनता है। लेकिन अगर निकट दृष्टि दोष हो जाए तो इसमें क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर ना हो करके रेटिना और लेंस के बीच में कहीं होता है, इसका फोकस यहाँ बनता है। अब ये लेंस के नजदीक है इसलिए इसे निकट कहते हैं। किसके निकट है, ये लेंस के निकट है इसलिए इसे नियर साइटेडनेस कहा जाता है। इस बीमारी को दूर करने का जो तरीका है, क्योंकि अब इस इमेज को वास्तव में जो फोकस बना है, इस फोकस को यहाँ तक लाना है यानी डाइवर्ज करना है, तो डाइवर्जिंग लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। तो डाइवर्जिंग लेंस का कैसे प्रयोग होगा, अगले फिगर में देखते हैं। यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस को यूज कर दिया गया, ऑब्जेक्ट और आई लेंस के बीच में एक डाइवर्जिंग लेंस लगाया गया है, यानी अवतल लेंस जिसे कहा जाता है, और इसकी वजह से इमेज का फॉर्मेशन अब रेटिना पर होने लगा है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सकता है, अवतल लेंस को लगा करके या डाइवर्जिंग या कॉनकेव लेंस को लगा करके। दूसरी जो डिजीज होती है उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मल जो रेटिना पे फॉर्मेशन होना चाहिए था इमेज का, वो रेटिना के बाहर कहीं बनता है, वर्चुअली ऐसा लगता है कि बाहर कहीं जाके बनेगा, तो लेंस से बहुत दूर हो गया इसलिए इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब ऐसी कंडीशन में इस इमेज की फोकस को रेटिना तक लाना है यानी नजदीक लाना है, तो इसके लिए कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत है, या इसको हिंदी में कहेंगे उत्तल लेंस की आवश्यकता है। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। यहाँ पे एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है, तो ऑब्जेक्ट और आई लेंस यानी नेत्र लेंस के बीच में उत्तल लेंस को लगा दिया गया है, जिससे अब इमेज का फॉर्मेशन फिर से रेटिना पर हो रहा है। तो तीसरी ये हो गई दूसरी। अब तीसरी डिजीज जो होती है उसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया में एक्चुअली होता क्या है, ये उम्र बढ़ने के साथ साथ होती है, और ये सिलियरी लेंसेस जो होती हैं, जैसे यहाँ पे जो सिलियरी लेंसेस सिलियरी बॉडी होती है वो ढीली होने लगती है, तो लेंस की जो फोकसिंग होती है, जो इसका शेप और साइज होता है, वो गड़बड़ हो जाता है। इसको डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग दोनों टाइप के लेंस लगा के इसको सही किया जाता है। तो ये थे डिजीजेज रिलेटेड विद द आई ऑफ द ह्यूमन।